डांस भंगड़े भंगड़े पालो जी भंगड़े पालो, और साथ में खा रहे हैं गार्लिक ब्रेड और दूध क्योंकि मामा को लगी है भूख। एंड बेटू इज एंजॉयिंग मामा'स डांस। ये आ गया हमारा फेवरेट सॉन्ग ये ता 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 हमें जाने वाला है नहाने। यू फैशनदार मेरी माँ तौबा तौबा। अभी अमे ने और इसकी माँ ने यहाँ पर डीजे बना रखा था, पूरा डीजे बना बना के डांस चल रहा था। बहुत अच्छे अच्छे गाने भी चलाए गए हैं हमारे अमे भाई साहब के लिए। तोमर जी के लिए उत्तम कुमार के गाने बजाए जा रहे थे। हाँ, तोमर कौन सा गाना था वो, मैं भूल गई। रज्जी बोल जा। जब भी अमे हमारा नाराज हो जाता है, रोने लग जाता है, तो हम इसको गाने सुनाते हैं, और गाने सुनाने में सबसे पहला गाना हम इसको सुनाते हैं रज्जी बोल जा। जिन लोगों को नहीं पता, रज्जी बोल जा उत्तर कुमार का गाना है, और हम बचपन से लेकर आज तक उत्तर कुमार की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं। स्पेशली जाटों को पता होगा ये। हाँ, ये जाट ही समझ सकते हैं थोड़ा इस वाले एंगल में जाट घुसे हुए हैं। हालांकि उसकी फिल्मों में कुछ नहीं होता, बहुत ही स्लो फिल्में होती हैं उत्तर कुमार की, लेकिन उनके अंदर जो एक डिफरेंट सी अपील है, क्योंकि उसने सिंप्लिसिटी है, प्लस उसने ना जिस लेवल पे शुरू किया था, मतलब मैं मुझे याद है अभी भी, मैं 11th या 12th क्लास में था और जब उसने शुरू किया था ये सब चीज़ें करना, और मतलब जबकि तब तो मैंने देख ली थी उसकी फिल्में, तो यानी कि उससे पहले ही उसने शुरू कर रखा होगा ऑलरेडी, तो तब से हम बचपन से लेके आज तक हम उत्तर कुमार की फिल्में देखते आ रहे हैं। सिद्धार्थ का एक फ्रेंड था अभिषेक, हमने अभिषेक के यहाँ पे मैंने पहली बार धाकड़ छोरा करके मूवी आई थी। अरे धाकड़ छोरा बहुत चली थी उसकी, दो फिल्में उसकी, धाकड़ छोरा और खड़तल, ये दोनों बहुत चली। पापा बोलते रहे थे कि लॉकडाउन के अंदर पापा ने उत्तर कुमार की सारी मूवी देख डाली। क्या हुआ, यू आर नॉट आल्सो एक्साइटेड? लेकिन इसे अभी धाकड़ छोरा नहीं बनाना, ये हमारा जीना दूभर कर देगा नहीं तो। एग्जैक्टली, अभी इसको नहाने के लिए ले आओ। नहाएंगे वही नहाएंगे। अभी इसके अंदर इतना चेंज आ गया, पहले शुरू में ये रोता था नहाते हुए, पानी डलते ही, अभी ये चीजें पकड़ पकड़ के खींचता है। पहले मुझे याद है एकदम से चिल्लाने लगता था, पर अब देखो कैसे डब्बा पकड़ रहा है, कह रहा मुझे पानी दो। अभी लेकिन कितना शांत बैठता है ये पानी डलवाते हुए। पानी नहीं पीना बेटू, भाई साहब ने हंगामा मचा रखा है, डब्बे को छोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी। एक मिशन सक्सेसफुल हो गया आपका। इसका ऐसे पीछे से पूछता हूँ ना मैं, तो इसको कुछ नहीं होता, दिक्कत नहीं होती, वरना ये रोता है, फिर इसके मुंह पे से पूछते हैं सबसे पहले। तो कितना क्यूट लग रहा है। तुम्हें याद है जब हम मतलब बचपन में ये जामुन खाया करते थे, तो हमारे मतलब जीभ जो थी पूरी ब्रिंजल ब्रिंजल हो जाती थी, फिर हम बच्चों को करके चिढ़ाते थे एक दूसरे को। मैं अभी जब ये जामुन खा रहा था तो मेरे को एकदम से याद आया कि मैं कैसे मतलब उस टाइम पे एक दूसरे के पीछे भागा करते थे बच्चे बन के। अब कुछ दिनों में ये भागेगा, जामुन का सीजन जैसे आ रहा है धीरे धीरे, तो मैं फर्स्ट जामुन लेकर आया हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। फर्स्ट जामुन का टेस्ट कर रहा है लड़का, अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या रहता है। अमे की लाइफ का फर्स्ट जामुन, तो मजे से खा रहा है। तो थोड़ा टाइम दो, टाइम दो, इसे तो कुछ खट्टा वट्टा लग ही नहीं रहा यार। लग रहा है शक्ल बना रहा है मीठे वाला खिलाओ ना इसको, ये वाला नहीं खिलाओ, ये सबसे मीठा है। हम पका हुआ देख के लिया था कि भाई यहाँ काफी पका हुआ हो, बस टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि ये एकदम से गुठली मुंह में ना ले ले। ये भाई साहब छीन छीन के खाने लग रहे हैं यार। मैंने क्या किया है, इसका ये ब्रिंजल वाला पोर्शन तो उतार दिया है, ठीक है, जिससे कि ये मुलायम वाले पोर्शन को आराम से कर सके, और ये इसकी जीभ पे ना ब्रिंजल भी थोड़ा कम लगेगा इससे, उसे ज्यादा ब्रिंजल उधर दिख रहा है, जामुन चाहिए वही तो, उसे ज्यादा जामुन उधर दिख रहे हैं, ब्रिंजल ब्रिंजल कलर ही तो है। बहुत खट्टी है भाई, बहुत खट्टी है, बहुत खट्टी है ना। अभी एक जादू दिखाते हैं आपको, मैं अमे को कैसे हंसाता हूँ वो जादू दिखाएंगे। ये लड़का तो पहले ही हंस रहा है यार, क्या हंसाऊंगा इसे मैं, रुको अभी फिर भी आपको जादू दिखाता हूँ। अमे 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 ये लड़का ऐसे करने लग जाता है, मेरे को बहुत गुदगुदी हो रही है पापा। जब ऐसे करता है बड़ा मजा आता है, मस्त करता है, मन करता है इसको चिपके रहो, बस चिपके रहो। अमे
क्या करेंगे हम अभी? ये देखो इस लड़के को ऐसे घूमता रहता है पूरे दिन, कभी सर के ऊपर, कभी सर के साइड में, कभी पापा मुझे जगा दो। लेकिन इसके होने से बहुत अच्छा लगता है घर के अंदर। जिस राजजी बोलता गाने के बारे में हम अभी बता रहे थे, उस गाने की एक लाइन है, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर मैं कर दूँ सब कुछ कुर्बान रे। इतनी मस्त लाइन लगती है ना मेरे को लगता है कि अमू और मेरे लिए ही बनाई गई है वो लाइन, बिल्कुल फिट बैठती है हम दोनों पे, है ना अमू? बता दो सबको, है ना? नहीं बताना? ओके। हमारे प्यार का इजहार वो करना नहीं चाहता एक्चुअली, बस वैसे तो करता तो बहुत है। मैं एक बार चार्जिंग लगा देता हूँ। तुम्हें याद है बचपन में कैसे बोलते थे हम लोग कि लैपटॉप गैग में, सर लैपटॉप नहीं, किसी भी चीज़ के ऊपर से उतर जाओगे तो वो छोटी हो जाएगी। है? मुझे मतलब लोगों के ऊपर से उतर जाओगे तो छोटे हो जाएंगे, इतना पागल बनाया ना हमारे मम्मी पापा ने हमारा। हम बच्चे थे, हम क्या करते थे, खेलते थे, तो खेल रहे हैं जैसे बेड पे लेटे हैं आराम से, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर से चला गया, झट से सुनने को मिलता था छोटा रह जाएगा, दोबारा वापस आता था वो। हाँ। हम क्या करते थे, एंड वी रियली यूज्ड टू बिलीव दैट कि ऐसा होने वाला है, और फिर दोबारा वापस भी उतरते थे। मैं अपने लैपटॉप पे से उतर गया हूँ वापस, भैया मेरे को कोई चांस नहीं लेना, कल को मैं उठूं मेरा लैपटॉप छोटा रह जाए तो नहीं। और हम सोचते थे ऐसे, जैसे कोई आपस में मम्मी पापा नहीं है टोकने के लिए। हाँ। तो हम क्या करते थे कि बोलते थे कि अगर तू उतर गया मान ले मेरे ऊपर। हाँ। से तो उतर के जा वापस, मैं मेरी हाइट छोटी रह जाएगी। यार मतलब ये सब चीजें थी, हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे विवेक, हम तो कुछ भी पागल नहीं बना पाएंगे इनको। नहीं बनाऊंगा मैं कितने नदी नालों में से गुजर गुजर के स्कूल जाता था बताऊंगा मैं इसको। बताएगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। स्कूल जाया नहीं करते थे एक्चुअली, स्कूल से भागना भी तो होता था ना, वो भी बताना ये सब। अरे पता नहीं कितनी ऊंची ऊंची दीवारें फांद के मैं स्कूल बंक करता था, पता नहीं है क्या ये मेरे को पता चल जाना चाहिए कि विवेक ने स्कूल बंक किया है, अब मैं बिगड़ जाएगा। मेरे साथ अरुण रहता, बिगड़ जाएगा मेरे साथ ना, मेरे साथ जनरली अरुण रहता था, और अरुण और मैं 3:30 बजे अपना जैसे ही लंच टाइम खत्म हुआ, हमारा स्कूल 1 से लेकर 6 बजे तक था। अच्छा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा स्कूल 1 बजे से लेकर लगभग 6:30 बजे तक चलता था। तो हम क्या करते थे, मतलब हम 3:30 के आसपास रिसेस होती थी हमारी, तो रिसेस में अपना खाना पीना खाया, अब रिसेस के बाद इमिडिएटली बाद, सरकारी स्कूल था तो रिसेस के इमिडिएटली बाद मतलब जो पीरियड होता था उसमें अटेंडेंस होती थी, क्योंकि सरकारी स्कूल वालों को सबको पता होता था कि भैया बच्चे यहाँ से भागेंगे। हाँ? तो जैसे ही अटेंडेंस होती थी हम अटेंडेंस करके चुपचाप अपना बैग उठा के पीछे वाले दरवाजे से कमरे के निकलते थे और ऊंची वाली दीवार फांद के स्कूल से नीचे। खाना खा लेते हैं। हाँ खाना खा रहे हैं। दाल मखनी बन गई? हाँ ऑलमोस्ट रेडी है। वाह मस्त एकदम। चावल? चावल भी बन गया। चावल ही बन गए। मैं ये बोल रही हूँ। हाँ। अब मैं जब तक सो के उठता है। हाँ, तब तक वो लाइट वाइट देख लेते हैं। इसके डेकोरेशन वाली वो देख लेते हैं। हाँ। और इसका जो वो उधर की साइड सामान रखा है ना थोड़ा सा, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अरे उसमें कुछ मेरे ख्याल से हमारे वो बलून वलून तो उसी में मिल जाएंगे जो हमने लास्ट टाइम यूज ही नहीं किए थे। हाँ वही कह रही हूँ कि वो देख लेती हूँ एक बार। चल। और ये आ गई हैं हमारी लाइट्स, मैं इसे खोलता हूँ अभी। पायल मैं लाइट्स खोल रहा हूँ, जल्दी आ जा। हाँ ये देख मेरे को क्या मिला। क्या मिला? ये जो मैंने तेरे को फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिया था, याद है? याद है, बिल्कुल याद है। आधा सामान तो इसमें से मैंने ही लगाया था तेरे को। तुम्हारा रिक्रूटमेंट चल रहा था बेटा। हाँ, आ जा, मैंने बनाया था। आ जा, जल्दी आ जा, नीचे बैठ, देखते हैं इसमें क्या है। वो भी क्या दिन थे जब जब ये लड़की मुझसे प्यार किया करती थी, अब तो ये सिर्फ अमे से प्यार करती है। अरे यार मैं ये सोच रही थी कि इतनी मेहनत तब करने का जज्बा कहाँ से आ रहा था। सीरियसली अभी तो कोई कह दे कि एक ये देखो इसमें तुमने ये रिबन भी लगा रखा है और ये कट करके पूरा कट करके भी बना रखे हैं। और तुम ये देखो ना कि एक एक फोटो पे लिखा है। तुम देख रही हो तुम मुझे पहले कितना प्यार करती थी, कितनी मेहनत करती थी तुम मेरे लिए। मेरे को ये देख के घबराहट हो रही है, मेरा प्यार तो आधे का भी 1/10 हो चुका है। अभी अभी तेरे लिए दाल मखनी बनाई है। किसने बनाई? मैंने। हाँ ठीक है, वो दाल मखनी वाल मखनी तो सब ठीक है, ये सब तो नहीं करती आजकल तुम मेरे लिए। ये मैं हमें से कराऊंगी, हमें एक बार बड़ा हो जाएगा तो। देखो तुमने मेरे ऊपर इंडियन ऑयल भी चिपका रखा है। हाँ तो इंडियन तुम रिक्रूटमेंट में बिजी थे फर्स्ट, उस पे याद है? तो ये तुम्हारा दिखाने का तरीका था कि मैं इंडियन ऑयल में की रिक्रूटमेंट में बिजी, इतने ज्यादा बिजी हूं कि यू मिस्ड योर फर्स्ट एनिवर्सरी। लेकिन ठीक है, ये फर्स्ट वाली फोटो शादी वाली फोटो है। ये तो शादी वाली फोटो है। मैं तुम्हें और फोटो दिखाती हूं, रुको तो एक सेकंड।
मैं ये देखना चाहता हूँ ना तुमने, तो हम उस टाइम पे क्या क्या गजब काम करते थे। ये फर्स्ट टाइम मिले थे हम, ये फर्स्ट टाइम मिले थे, और ये पजामा मुझे याद रहेगा हमेशा, पजामा यू विल नेवर फॉरगेट। आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट। नील आइलैंड, हां नील आइलैंड फर्स्ट ट्रिप। ये हमारी फोटो, ये भी हमारी फोटो। अब मैं तुम्हें एक फोटो दिखाती हूं। अरे यार ये वाली, वो एक नील आइलैंड वाली फोटो थी ना इसमें, वो कहां है? ये रही। आई वांट टू गो अगेन। ये जो कर्म होते हैं ना, ये शादी के पहले साल में ही करते हैं लोग। यू प्लस वी यार। मुझे एक चीज ये समझाओ लेकिन, कि ये जो लव यू फ्रॉम नेगेटिव इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी है, इसका क्या मतलब है? बोले ये तो बहुत ही ज्यादा, तुम ये इतना टेक्निकलिटी से प्यार करती हो क्या? तभी बोले मैं तो भाई साहब दिल से प्यार करता हूँ। ये लड़की मुझे लगता है एकदम टेक्निकलिटी से प्यार करती है, नेगेटिव इम्यूनिटी से पॉजिटिव इम्यूनिटी, उसके आगे मुझे नहीं पता भाई, उसके आगे तुम अपने आप को संभाल। मुझे ये वाला दिन बहुत याद है, पुराना किला वाला दिन मेरे को काफी अच्छा लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल अनप्लान ट्रिप था। हम गए ही नहीं थे वहाँ पे, और अचानक से हमने बिल्कुल प्लान किया। पद्मावत कहाँ लिख दिया यार? अरे उस टाइम पे यार होगी मेमोरी, अभी नहीं है। कुछ सीरियसली एक और चीज भी होती है, जब आप स्क्रैप बुक्स वगैरह देखते हो ना अपनी पुरानी, उसमें आपको पता लगता है कि आपने कितनी रैंडम चीजों को अपनी मेमोरी बनाया हुआ है, जो आप आगे जाके आपकी लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करेगा। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ इसके अंदर। तुम देखोगे हमने फर्स्ट अपने ईयर में सबसे ज्यादा ट्रिप मारे हैं, शिमला, हैदराबाद, अंडमान, नैनीताल, ऊटी, मनाली, दीज ऑल वर कवर्ड इन फर्स्ट ईयर, नॉट इवन फर्स्ट ईयर, यू कैन से फरवरी से दिसंबर के बीच और कुफरी भी। हाँ, शिमला और कुफरी तो ऑब्वियसली एक ही हो गए, लेकिन ये इसका मतलब फ्रंट बहुत सुंदर लग रहा है। इसको बनाने में मेरी बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी थी, जैसे हिमांशु ने, महक और तान्या, ये सब लोग थे। आई लव यू हिमांशु। लेकिन बहुत सारे लोगों की मेहनत थी इसके अंदर। वो लोग घर आए थे और उन्होंने पूरा दिन लग के मेरे साथ ये बनवाया था, सो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। ये तो हो गई स्टार में, और ये हो गई क्लिप्स फोटोग्राफ्स लगाने के लिए, है ना? Yes. ये बहुत सुंदर लगेगा ये दोनों लग के। अभी ऑन करके देखते हैं इसको। अभी ऑन तो करके देख लेंगे, लेकिन वैसे ऑन करके लोगों को नहीं दिखा रहे अभी हम। ओके, सस्पेंस, सरप्राइज। हम देखते हैं अभी अपनी लाइट्स ऑन करके कैसी लग रही हैं, और आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल बटन दबाइए, जिससे कि आप हमारी सारी वीडियोस एंजॉय कर सकें। ओके, बाय बाय।